मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या 15 से बढ़कर 22 तक पहुंच चुकी है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाने का एमपी सरकार ने ऐलान किया है। वही घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी दुख जताया। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 9 बजे खरगोन से इंदौर की ओर जा रही बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 50 फीट नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 मासूम बच्चियां भी शामिल है। वहीं इस हादसे में करीब 30 लोगों को गंभीर चोटें भी आई है, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिला चिकित्सालय खरगोन में इलाज चल रहा है। तो मध्य प्रदेश से यह बड़ी खबर